हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोगों को दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का मोटर है और मोटर का जो एक्सेल है, एक्सेल के साथ ब्रेक ड्राम फंस के रह गया है। ये ब्रेक ड्राम नहीं निकल रहा है और ये ब्रेक ड्राम एक्सेल के साथ ना फंसे तो क्या करना चाहिए, कुछ टिप बताएंगे। अगर वो आप लोग करते हैं तो ब्रेक ड्राम एक्सेल के साथ नहीं फंसेगा। तो इसमें इतना फंस गया है, ब्रेक ड्राम काट के निकलना होगा, ऐसे हाइड्रोलिक मशीन पर नहीं निकल रहा है। तो ये ब्रेक ड्राम को निकल के आप लोगों को दिखाएंगे, ये निकलेगा नहीं, इसको काट के निकलना होगा। और काटना भी एक प्रोसेस होता है, नहीं तो आप लोगों का मोटर ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रहे हैं कैसे ये ब्रेक ड्राम काट के निकलेंगे। और ये जो मोटर है, ब्रेक ड्राम है, ये ओकिनवा रिच 30 मॉडल का है, आप लोग देख सकते हैं। और ये गाड़ी जो है 4 से 5 साल हो गया है मेरे ख्याल से, तो एक बार भी ये ब्रेक ड्राम नहीं खुला है, तो इसीलिए फंस गया है। ब्रेक शू आप लोग देख सकते हैं पूरा लास्ट हो गया है, ब्रेक क्लैम जो है पूरा लास्ट आ जा रहा है, फिर भी ये ब्रेक शू एक बार भी चेंज नहीं किया है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिन तक ये नहीं खोला है, इसीलिए एक्सेल के साथ ब्रेक ड्राम जाम हो गया है। ये ब्रेक शू चेंज होता बीच में तो ऐसा नहीं होता। और आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए ये जो मोटर है, मोटर का प्लेट देखिए, ये क्रैक है, यहाँ पर एम सील दिया हुआ है। इससे पहले कोई ब्रेक ड्राम को खोलने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर क्रैक हो गया है, एम सील दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये एम सील हटा के आप लोगों को दिखाएंगे कैसा क्रैक है, और मेरे ख्याल से ये हाइड्रोलिक पर भी नहीं खुलेगा। हमने एक वीडियो में दिखाया था, अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है और मोटर के साथ ब्रेक ड्राम फंस जाता है, हल्का फुल्का जाम है, तो कैसे निकलेंगे, ये वीडियो में दिखाया था। ये वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक मशीन पे प्रेशर दे के निकल कर दिखाए थे। हल्का जाम होने से ये निकल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ है, बहुत दिन से मोटर खुला नहीं है, मतलब ब्रेक ड्राम खुला नहीं है, ब्रेक शू चेंज नहीं किया है, तो इसीलिए ये फंस गया है, एक्सेल के साथ ब्रेक ड्राम जाम हो गया है पूरा। तो ये हाइड्रोलिक मशीन पर भी नहीं खोल रहा है, इसको काट के निकलना होगा, और काटना प्रोसेस होता है, अब लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो मोटर ख़राब हो सकता है। और ये जो नया ब्रेक ड्राम और ब्रेक शू नया लगाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और ये ब्रेक ड्राम आप लोग दूसरे तरीका से खोलने की कोशिश करते हैं तो मोटर ख़राब हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप लोग देखिए, दूसरा प्रोसेस से खोलने की कोशिश किया था कोई ने, तो मोटर ख़राब हो गया है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं ये मोटर का ब्रेक ड्राम कैसे काटेंगे। तो देखिए, ये कटर मशीन से ब्रेक ड्राम को काटेंगे, मोटर का जो एक्सेल है, रोटर का एक्सेल, उसको नहीं काटेंगे, उसको लगने भी नहीं देंगे, सिर्फ ब्रेक ड्राम को काटेंगे। अगर एक्सेल में थोड़ा सा लगता है तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रेक ड्राम को काटेंगे। जहाँ पर एक्सेल में फंसता है थोड़ा सा काटेंगे, छोड़ा लेंगे वहाँ पर जगह, तो ये ब्रेक ड्राम निकल जाएगा। आप लोगों को दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, धीरे धीरे करना होगा, ये टाइम लगेगा, जल्दीबाजी से ये नहीं होगा। अगर जल्दीबाजी करते हैं तो मोटर ख़राब हो सकता है और एक्सेल भी कट सकता है। तो चलिए इसको धीरे धीरे काट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, और वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, ब्रेक ड्राम को काट दिए हैं, एक्सेल के साथ जहां पर ब्रेक ड्राम फंस रहा था वहीं पर काटे हैं हम, ज़्यादा इधर उधर नहीं काटे हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ये जो छोड़ गया है, ये यहाँ पर लग रहा था तो ये काट गया है, इसको ठोकने से ये टूट गया है। और देखिए, दिखा देते हैं घुमा के, देखिए जहाँ पर जाम हो रहा था वहीं पर हमने काट के थोड़ा सा हटा दिया, अब ये ब्रेक ड्राम निकल जाएगा, एक्सेल के साथ यहीं पर फंस रहा था। तो देखिए, ये जो ब्रेक कैम है, क्लैम, यहाँ पर काटना पड़ा, क्योंकि मशीन यहाँ पर नहीं चल रहा था, ब्रेक क्लैम पर लग रहा था, तो इसीलिए क्लैम को भी काटना पड़ा, काट दिया। और ब्रेक शू और ब्रेक ड्राम नया लगा के अब लोगों को दिखाते हैं, ये निकल लेते हैं, देखिए ये इजी निकल गया है, जहाँ पर हमने ब्रेक ड्राम को काटे हैं वहीं पर एक्सेल के साथ फंसा हुआ था। और ये क्यों जाम हो जाता है, बहुत दिन तक आप लोग ब्रेक ड्राम नहीं खोलते हैं, ब्रेक शू सही टाइम पर चेंज नहीं करते हैं, तो ब्रेक ड्राम और एक्सेल के साथ बहुत कम गैप रहता है, तो वहाँ पर पानी लगता है, कचरा लगता है, धूला लगता है, तो धीरे धीरे जाम हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक्सेल पर थोड़ा सा घस गया है, वो कुछ नहीं होगा। तो ये ब्रेक ड्राम लगा लेंगे और ब्रेक शू लगाएंगे, और आप लोगों को बताते हैं ये क्या करने से जाम नहीं होगा। तो देखिए, आप लोग बीच बीच में ब्रेक शू खोल के वॉश करते हैं, ये ब्रेक ड्राम
खोल के वॉश करते हैं 2000-3000 किलोमीटर के बाद बाद, तो ये ब्रेक ड्राम जाम नहीं होगा। सही टाइम पर ब्रेक शू चेंज करते हैं तो ये खोलना पड़ता है, खोलने से ये वॉश हो जाएगा। और लगाने का टाइम ग्रीज दे के लगाइए, जहाँ पर ये ब्रेक ड्राम घसता है वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीज लगा दीजिए और एक्सल पर ग्रीज लगा दीजिए, तो ये जाम नहीं होगा। तो देखिए आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं मोटर कैसे क्रैक हुआ था। देखिए यहाँ पर पूरा फटा हुआ है, देखिए पूरा मोटर का प्लेट फट गया है इधर से लेके यहाँ तक, देखिए पूरा फटा हुआ है। आप लोगों को दिखाने के लिए ये एम सील हमने हटा दिया, फिर एम सील दे देंगे। तो चलिए आप ब्रेक शू नया लगा लेते हैं और ब्रेक ड्राम लगा लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो ब्रेक शू है ये 110 mm का ब्रेक शू है। तो देखिए चाका को फाइनल फिटिंग कर दिए हैं और ब्रेक शू और ब्रेक सही से काम कर रहा है। और इसी तरह आप लोग नया नया वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है वो ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।